वार्ड नंबर 11 है, जल्दी से प्ले करते हैं, देखते हैं हमारी मिनट की तरफ। एंड माय नेम इज जीरा खान। धंधा बंद कराएगा हमारा, अपनी दादागिरी अपने कॉलेज के लिए लौंडों तक ही रखना चाहिए था। Ugh.
निर्जरा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। किस लिए? तू क्यों अपने आप को परेशान कर रही है बिना वजह? तू नहीं समझेगी। तू मैं सब समझती हूँ, पर अब इन बातों से कोई फायदा है क्या? बोल। अच्छा, इसी में है कि जितना जल्दी हो तू उसे अपने दिमाग से निकाल दे, समझी? चलो चल चल। इंजेक्शन लाओ जल्दी तो वो गया है, लेकिन ना वो कुछ समझ सकता है ना ही किसी को पहचान सकता है। इट्स जस्ट लाइक अ वेजिटेबल। इट्स रियली वेरी सैड, लेकिन राधे की हालत में सुधार लाने की हमारी हर कोशिश नाकाम रही, और इसीलिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए। मैं तो एक डॉक्टर हूं, फिर भी मैं भगवान में विश्वास रखता। जब भी कभी मैं बीमार पड़ता हूं ना, तो मेरी मां दवा से पहले मुझे प्रसाद खिलाती है। ये सिर्फ श्रद्धा की बात है, इसमें कोई तर्क नहीं चलता, क्योंकि हमारी दुनिया में दवा और दुआ दोनों का महत्व है। बिल्कुल। तो मैं भी कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा हूं। आप लोगों ने श्रीपुर धाम का नाम तो सुना होगा, हालांकि मेडिकल साइंस से नहीं मानती, लेकिन वहां के स्वामी शीलभद्र जी अपनी प्राचीन आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा करते हैं। अगर मेडिकल साइंस इस बात को नहीं मानती है तो आप क्यों मानते हैं? भैया भाभी, आपको पता है वहां मरीजों को जंजीरों से बांधकर जानवरों से बतर हालत में रखा जाता है, और आप राधे को वहां भेजना चाहते हैं? वो इसलिए कि कई बार वायलेंट होने पर वो अपने आप को और दूसरों को नुकसान न पहुंचा सके। देख शिव, इस लड़के ने जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि राधे जैसे कई मरीज वहां से ठीक होकर आए हैं। बात सिर्फ विश्वास और श्रद्धा की है, या तो आपको है या नहीं है। कहाँ है ये श्रीपुर धाम? आप तो बस उनको फोन कर दीजिए, उनके कर्मचारी खुद आकर राधे को ले जाएंगे। क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? सोचना क्या है असलम, उसे वहां भेजना ही पड़ेगा। बड़े भाई, आप भी किसी हरे घरे की बात सुनने बैठ जाते हैं बस। हमारे भले के लिए तो कह रहे हैं। क्या क्या भले की बात की उसने? हैं? यही कि आप अपने भाई को अपने घर मत ले जाओ, उसे किसी ओझा चौकी के हवाले कर दो,
ताकि उस पर सच्चा झूठा मंत्र फूंक सके, भले उसके बाद आपका भाई जी या मरे। असलम, उधर वो डॉक्टर अपना गला बचा रहा है और यहाँ ये लोग सोचते हैं उन पे कोई बोझ ना बने। अरे इतना ही भारी पड़ता है ना अपने भाई को अपने घर ले जाना, तो मत ले जाओ। मैं ले जाऊंगा, मैं रखूंगा उसे, मैं पालूंगा, मैं संभालूंगा, मगर किसी स्वामी वामी के आश्रम जाने नहीं दूंगा। बता देता हूं, कान खोल के सुन लो आप लोग। बदतमीज गायत्री, मैंने ही इन लड़कों को सर चढ़ा के रखा है, ये सारा मेरा ही कसूर है, वरना कोई आपके साथ इस तरह बदतमीजी कर सकता है। गायत्री तुम शांत हो जाओ, देखो ये सब राधे से प्यार करते हैं इसीलिए दुखी है ना। तुम वहां बैठ जाओ, जाने दो उसे, हो सकता है इसी में राधे का भला हो। देखो असलम, मैं ये तो नहीं जानता कि मैं राधे को समझ सका या नहीं, लेकिन मुझे इस बात का फख्र है कि उसके तुम्हारे जैसे दोस्त हैं। तू जानता है मैं तुझे क्यों भेज रहा हूं श्रीपुर धाम के आश्रम? क्योंकि मैं तंग आ गया हूं तुझसे। बस तुम्हारी ये मार पिटाई या गुंडागर्दी समय मैं ऊब गया हूं, समझा समझा के थक गया हूं तुम्हें। अब मैं चाहता हूं कि तू मेरी नजरों के सामने से दूर चला जाए और मैं चैन की सांस ले सकूं। सुन रहा है तू कुछ? ये क्या कर रहे हैं? देखो ना, मैं कब से डांट रहा हूं इसे, ये पलट के जवाब ही नहीं दे रहा। राधे अब मैं भी तेरे साथ स्टेशन पर बैठा रहूंगा, हम कॉलेज के बाहर बैठेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मैं भी आऊंगा तेरे साथ। तू ठीक हो जा मेरे भाई, तू ठीक हो जा, देख टुट्टी हो जा। तू ठीक हो जा। भाभी, राधे को लेने वह नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है, ये पार्ट आपको कैसे लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।